Remember, our meditation is on the book of Revelation, chapter 1. और आज की सुबह आप याद रखिए, हमारा मनन प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय पर चल रहा है. We learned that the focus of the book of Revelation is Jesus Christ, the Son of God Himself. और हमने ये सीखा और जाना कि कैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का केंद्र खुद प्रभु यीशु मसीह है. No other personality. कोई और दूसरा व्यक्ति भी नहीं. No other kingdom. कोई और दूसरा राज्य नहीं. But His kingdom. लेकिन उसका साम्राज्य. These are the focus. और ये वो ध्यान है. So let us encourage ourselves. और आइए हम खुद को प्रोत्साहित करें. Now, we found that in verses 4 and 5 of first chapter of Revelation. और प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय और चौथे और पांचवें वचन में हमने इस बात को देखा. Jesus Christ is described here in three ways. और यीशु मसीह को यहाँ पर तीन तरीकों से वर्णन किया गया है. The first we found that he is the faithful witness. कि वो एक विश्वास योग्य गवाह है. That means he came and declared and communicated to us and witness to the truth and grace. और इसका मतलब ये है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आया और सच और अनुग्रह की गवाही और घोषणा उसने करी. And the second way he is revealed is, और जो दूसरे तरीके से उसको प्रकाशित किया गया है, Jesus Christ is the firstborn from the dead. कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने में पहलौता है. What does that mean? इसका क्या मतलब है? He was the first one to be resurrected with a new body. क्योंकि वो पहला था जिसकी जो वो पहला ऐसा था जिसको एक पुनरुत्थान मिली हुई देह के संग वो जीवित हुआ. And this body is immortal. और उसकी देह ना मरने वाली देह. And incorruptible. और ऐसी देह जिसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टता नहीं. This resurrected body is never to decay. और ये पुनरुत्थान पाई हुई शरीर कभी सड़ेगा नहीं. It will never deteriorate. और कभी नाश नहीं होएगा. Or never die. या कभी मरेगा नहीं. These are the marvelous divine qualities of a resurrected body. और ये वो स्वर्गीय और अद्भुत गुण हैं एक पुनरुत्थान पाई हुई देह के. And in that sense, और इस बात में Jesus Christ is the first one to be resurrected. यीशु मसीह वो पहलौटा था जो मरे हुओं में से जी उठा जिसका पुनरुत्थान with हुआ a new body. एक नए शरीर के साथ. And now, और अब Jesus himself raised some dead people. ले यीशु ने खुद कुछ मरे हुओं को जिलाया. But they were raised back to life and not with their old body. और उन्हें जीवन में वापस उठाया गया लेकिन उनकी पुरानी देह के साथ नहीं. They didn't receive a resurrection body. और उन्हें एक पुनरुत्थान हुआ हुआ देह नहीं मिला. Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. And when are we going to receive our resurrection body? और कब हमें हमारा पुनरुत्थान हुआ शरीर प्राप्त होगा? At the time of the rapture. जब कलीसिया का उठाया जाना होगा. When the dead in Christ shall rise first. कि जो प्रभु यीशु में सोए हैं वो पहले उठा लिए जाएंगे. Among them Lazarus will be there. और उनके बीच वो लाजरस मौजूद होगा. And among them the girl whom Jesus raised. और उसके बीच वो बेटी भी होगी जिसे यीशु मसीह ने जिलाया. Among them there would be that woman whom he raised. और उसमें वो स्त्री भी होगी जिसे यीशु मसीह ने जिलाया. Jesus raised them, but they again died, and now they are waiting for the resurrection day. और यीशु ने उन्हें जीवित किया, जिलाया, लेकिन फिर से वो मर गए और अभी वो अपने पुनरुत्थान के दिन का इंतजार कर रहे हैं. And when they are raised, और जब वो उठा लिए जाएंगे, they resurrected. और जब उनका पुनरुत्थान होगा, they will have the resurrection body. तब उनके पास वो पुनरुत्थान हुआ शरीर प्राप्त होगा. And the third thing that is revealed about Jesus is, जो तीसरी बात यहाँ यीशु मसीह के विषय में बताई गई है, He is the prince of the kings of the earth. और वो इस पृथ्वी के राजाओं का राजा है. He is the king of kings and lord of lords. वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है. And immortal. और ऐसा जो अविनाशी. In 1 Timothy chapter 6 verse 15. और पहला तिमुथियुस छठा अध्याय पंद्रहवां वचन. 1 Timothy chapter 6 verse 15. पहला तिमुथियुस छठा अध्याय पंद्रहवां वचन. जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है. या He is the King of Kings and Lord of Lords. वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है. And again in Revelation chapter
17 और उसके बाद प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय वर्स 14 और 14वां वचन 17 वर्स 14 17वां अध्याय 14वां वचन वी आर टोल्ड हियर वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है और जो बुलाए हुए हैं चुने हुए और विश्वासी हैं वे सब के साथ वे भी जय पाएंगे दे विल मेक वॉर ऑन द लैम एंड द लैम विल कॉन्कर देम फॉर ही इज लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड किंग ऑफ किंग्स एंड दोज विद हिम आर कॉल्ड द चोसन एंड फेथफुल हालेलुया हालेलुया व्हाट अ कॉन्करर आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कितना बड़ा विजयी और जयवंत हमारा प्रभु यीशु मसीह है He is therefore is our savior. और इसी कारण वर्ष वो हमारा उद्धार करता है. Verse 6. छठा वचन. Jesus is worthy of praise. Not only he cleanses us from sin and redeems them. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ना केवल स्तुति के योग्य है क्योंकि वो हमें छुटकारा देता है और शुद्ध करता है But he also makes them to be kings and priests. लेकिन साथ ही साथ वो हमें राजा और याजक होने का अधिकार देता है And as such, और ऐसे में we shall be ruling with him. हम उसके संग राज्य करेंगे First in that 1000 years of the kingdom of और God. पहले वो 1000 साल का जो राज्य होगा प्रभु यीशु मसीह का तब And then we shall reign with him eternally. और उसके पश्चात अनंत तक हम उसके संग राज्य करेंगे This is what God has always wanted us to be. और इसी बात के लिए परमेश्वर ने हमेशा हमारे जीवन को चाहा और यही चाहता था और इसीलिए उसने मानव की रचना करी और इसी बात की योजना उसके मन में थी दिस मैन शुड बी एंड वुड बी द द द द द किंग एंड आल्सो द प्रीस्ट कि कैसे ये मानव राजा और याजक दोनों होगा प्रीस्ट To ever offering unto God the praises and worship. और वो याजक जो हमेशा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेगा And as such people, और ऐसे लोग होने के कारण, we also will rule with Christ. हम भी प्रभु यीशु मसीह के संग राज्य करेंगे। My friends, what a revelation! मेरे मित्रों, कैसा प्रकाशन है ये? God has a vision for you. परमेश्वर के पास आपके लिए एक दर्शन है। That you be one day the king who shall rule with him, and a priest who shall offer unto him. All the praises and worship. कि आप भी एक दिन उसके संग राजा के समान राज्य करेंगे और एक याजक के समान सारी स्तुति आराधना और प्रशंसा उसे देंगे Leading all the saints of God. परमेश्वर के सारे संतों की अगुवाई करते This is हुए our privilege. और ये हमारा सौभाग्य This is है what is going to happen to us. और यही हमारे संग होने वाला है So never mind what price you have to pay. और इसलिए मायने नहीं रखता कि आपको क्या दाम चुकाना Remain पड़ता है true and faithful to God. परमेश्वर के प्रति आप सत्य और विश्वास योग्य बने Do not miss what God has planned for you. और उन बातों से चूके ना जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है. His dream for you. आप उसके सपने आपके लिए. Was to be the king and priest of God. आपका आपके लिए उसका सपना यह है कि आप भी राजा और याजक बने. To reign with him. और उसके संग राज्य करें. God's blessing be upon you. परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर. This is another great day. ये एक और नया दिन है. When you live. जब आप जीते हैं. Make sure that you walk with the Lord. इस बात को सुनिश्चित करें कि आप परमेश्वर के संग चलते हैं. Always rejoicing because of the great things God has planned for you for eternity. और हमेशा इस बात का आनंद मनाते हुए कि वो महान बातें जो परमेश्वर ने अनंत में आपके लिए तैयार की हैं. Lord, we thank you. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं. For your plans for us. तेरी योजनाएं जो हमारे लिए हैं. Want to miss it, Lord. और हम इन योजनाओं को चूकना नहीं so चाहते क्योंकि ये कितना रोमांचक कर देने वाला है not only have eternal life, कि ना केवल हमारे पास अनंत जीवन but our position in heavenly places is so remarkably beyond our understanding. कि हमारा स्थान उन स्वर्गीय स्थानों में कितना ऊंचा है because he is worthy to be praised. क्योंकि वो योग्य है स्तुति पाने So we bow before you. इसलिए हम आपके सम्मुख झुकते हैं. Thank you for the Holy Spirit. धन्यवाद तेरा पवित्र आत्मा के लिए. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you, my friends. मेरे मित्रों परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Enjoy this day. इस दिन का आनंद लें. Amen. Amen.